ये जो भी बातें होती हैं पक्षियों के बारे में, ये सभी हमने अभी भी ये बताया कि आज पक्षियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और ये अध्ययन आपका जैसे सबसे पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जैसे चार विष्णु, चार विष्णु होना, उड़ने के लिए एक जोड़ी पंख का होना, जो अगले पैर का रूपांतरण होता है, और इसके अलावा आपको यह भी जानना है कि इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, मज्जाविहीन होती हैं, साथ ही इनमें फेफड़े तो पाए जाते हैं, श्वसन अंग फेफड़ा होता है, इनके अलावा वायुकोष पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं, इनके मुख में दांत नहीं होते, चोंच कहते हैं वीक जिनको कहते हैं, और इनके शरीर पर बाह्य कंकाल त्वचा पर पाए जाते हैं जिन्हें हम फेदर कहते हैं। फेदर के साथ साथ हम जो है इन पर अंगुलियों में नखर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की ये रचना, इस प्रकार की ये घटना होती है, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पक्षियों का एक अलग वर्ग है, ये वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, गर्म रक्त के प्राणी हैं, इनका एक टेम्परेचर होता है, उससे कम या अधिक होने पर ये सर्वाइव नहीं करते, अर्थात इनकी डेथ हो जाती है। तो ये मैमल की तरह ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और पक्षियों में आप ये जानेंगे कि इनका मुख्य भाग अगर देखा जाए संरचनात्मक रूप से तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल। तो हेड, नेक, ट्रंक और ये टेल, ये चार भाग होते हैं। हेड पर आप जानते हैं कि जैसे ये एक पिजन, तो इसके हेड पर आईज होते हैं, ये सिरस होते हैं, और इनमें एक्सटर्नल ईयर तो होता नहीं, ये केवल मैमल का लक्षण है, लेकिन एक मिडिल ईयर एक पाई जाती है। इनके जो चोंच हैं उनमें टीथ नहीं होते, और एक छोटी सी ग्रीवा होती है, जिस ग्रीवा से ये क्या करते हैं, ये हमेशा अपने सिर को चारों तरफ, अपने सिर को पूरा चारों तरफ ये घुमा लेते हैं, तो रोटेट कर लेते हैं। एक जोड़ी पंख होता है, ये पैर होते हैं, तो इस तरह से इनके ये पार्ट हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें तो पक्षियों में कबूतर के बारे में अगर देखा जाए तो ये घोंसला बनाकर रहते हैं, ये पारिवारिक जीवन, इनमें मेल और फीमेल साथ साथ रहते हैं, और गुटर गूं की आवाज़ करके ये एक दूसरे को बुलाते हैं, इनमें एक तरह से सम्मोहन होता है। ये मेल और फीमेल कर्षिप भी करते हैं, मैथुन की जगह कर्षिप भी करते हैं, और जब ये अंडे देते हैं तो मादा जब अंडे देती है, निषेचन इनका आंतरिक होता है, मैथुन क्रिया होती है, कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और इसमें जो भी ये क्रियाएं होती हैं ये सब
तो जब इनक्यूबेशन की बात आती है तो मेल और फीमेल दोनों अंडे को इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेशन का मतलब है कि टेम्परेचर देना, अंडे को एक टेम्परेचर देते हैं और लगभग 14 दिन में इनके अंडे जो है इनक्यूबेट होकर के और उनसे कह लीजिए कि बच्चे जो है इनके चूजे जो है निकल जाते हैं। जब हैचिंग होती है अंडा फटता है तो उनसे ये बच्चे निकल जाते हैं। तो कबूतर के अंडे 14 दिन बाद जो इनक्यूबेशन के बाद जो उनसे बच्चे निकलते हैं और मेल और फीमेल दोनों साथ साथ रहते हैं, घोंसला बनाते हैं। घोंसला जो है चबूतरे की तरह बनाते हैं ताकि उस घोंसले में ये अच्छी तरह से बैठ सकें और एक अच्छी तरह से उसमें अपना जीवन यापन कर सकें। ठंडक से, अधिक गर्मी से और अधिक ठंडक से बचने का ये पूरा प्रयास करते हैं क्योंकि ये वार्म ब्लडेड हैं और इस प्रकार से ये हम जो कबूतर है इनके बारे में, एक पक्षी के बारे में अध्ययन करना है और उसके बारे में हमने एक जनरल करेक्टर का हमने वो किया, इनका अपेयरेंस किया है। अब इसके बाद जो इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका जो एक फिजियोलॉजी है, किस तरह से इनकी बनावट है, किस तरह से इनका फिजियोलॉजी है, कौन कौन सा ये क्या करते हैं, ये अपना जो शारीरिक क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न करते हैं, फिर उनको भी एक एक करके ये अगले वीडियो में ये बताया जाएगा। अभी केवल पक्षियों का, क्योंकि अगर पक्षी वर्ग में अगर ये पढ़ना है कबूतर तो उसके बारे में सामान्य लक्षण क्या है इनको आपको जानना है और जान करके ही आपको आगे फिर इसके बारे में बताया जाएगा।